उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में एक विद्यालय की छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर जनपद हापुड़ के स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक कार्यालय में एक पत्र दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य व एक शिक्षक को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर जनपद हापुड़ के मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल एसोसिएशन पिलखवा और हापुड़ इंडिपेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी स्कूल के प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने बिना जांच पड़ताल के हुई गिरफ्तारी को लेकर सही जांच की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में एक मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश प्राइवेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन पिलखवा के द्वारा अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर इस गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया और एक दिवसीय स्कूल बंदी का समर्थन किया। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं पिलखवा के शिक्षक विशाल कौशिक को। सर, आज तो उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल सभी को पता है। आज उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल प्राइवेट पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे राज्य के स्कूलों को एक दिन की बंदी घोषित की गई है। आजमगढ़ में एक घटना घटी है विद्यालय में। जैसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, शिक्षक और उस विद्यालय की संबंधित विद्यालय की प्रिंसिपल महोदया को उठा करके बंद कर दिया गया है। तो उसी के विरोध में ये सभी स्कूल बंद हैं। हम लोग पिलखवा से, अन्य भी विद्यालय यहाँ पे हैं, हम लोग पिलखवा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन लेकर के DM महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया है। वहाँ के टीचरों को बंद करने का क्या कारण है? टीचर्स को बंद करने का कारण, देखिए, वहाँ एक बच्ची है, 16 साल की बच्ची है, जिसके परिवार के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। हम लोग उनको, उस बच्ची के लिए भी हम लोग शोकग्रस्त हैं और उनके प्रति भी हम अपनी संवेदना प्रकट करते हुए साथ ही ये चाहते हैं जिस बच्ची ने सुसाइड किया है उन कारणों की जाँच कर ली जाए। एक बार जो दोषी है उसको दंड मिले, जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। तो आपने जो कॉलेज एक दिन की छुट्टी रखी है उससे छात्र छात्राओं का नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। और जो हमारा एक संबंध होता है अध्यापक का और छात्र छात्राओं का, एक जो संबंध होता है उसमें पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे ये घटना है मोबाइल को लेकर के, तो जो हमारे अधिकारों का भी कहीं ना कहीं हनन है। उस बच्ची को ये कहा गया कि मोबाइल आपके पास कहाँ से आया? मोबाइल हम लोग दूसरे माता पिता के रूप में अपने उन छात्र छात्राओं को रखते हैं। जितना समय बच्चा विद्यालय में रहता है, एक तरह से बिल्कुल माता और पिता की तरह हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो कम से कम हमारा इतना अधिकारों का हनन ना हो कि हम एक बच्चे से कहें और वो बच्चा कुछ अपनी उसकी व्यक्तिगत समस्या हो उसके कारण कोई ऐसा कदम उठा ले, तो बिना जाँच किए दोनों लोगों को बंद कर दिया गया। तो क्या कारण माना जा रहा है उसकी आत्महत्या का? आत्महत्या का कारण तो जाँच से ही पता चलेगा सर। तो मोबाइल का वो माना जा रहा है? हम प्रथम दृष्टया तो मोबाइल बताया जा रहा है, लेकिन उसकी जांच की जाए। केवल ये मान करके कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया और अध्यापक और उनको प्रिंसिपल महोदय को बंद कर दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं इसमें पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। जनपद हापुड़ में ज्यादातर CBSE बोर्ड व ICSE बोर्ड के अधिकतर स्कूल बंद रहे। आजमगढ़ की घटना को लेकर एलन पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के संचालक व हापुड़ इंडिपेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये आज 8 अगस्त के दिन एक सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। सभी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो प्राइवेट स्कूल विद्यालय स्कूल्स हैं, उनको बंद रखा गया है। और ये जो घटना आजमगढ़ में हुई है, जिसके तहत एक लड़की ने खुदकुशी की, जो घटना बेहद दुखद है, लेकिन इसके साथ ही जो उसमें प्रिंसिपल को और जो टीचर को अरेस्ट किया गया है, वो बिना किसी भी उनको इंक्वायरी किए हुए उनको अरेस्ट किया गया है। हमारा कहना केवल इतना है कि किसी भी दोष के लिए पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद उसको अरेस्ट करें। जो भी दोष हो उसको दोष के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। और क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया और 15 दिन के लिए उनको
उनको नॉन उनकी जो जमानत है वो भी नहीं हो रही है। तो हमारा कहना ये है कि कोई स्कूल वाला क्रिमिनल नहीं है, कोई स्कूल वाला ये नहीं चाहता कोई भी किसी तरह की दुखद घटना घटे, लेकिन ये जो दुखद घटना घटी है हमें इसके प्रति जो परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, परंतु साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सभी पक्षों की बात सुनी जाए उसके बाद निर्णय लिया जाए। उसके तहत ही आज ये सांकेतिक हड़ताल सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के रखी है। तो कुछ टीचर छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, क्या छात्रों की तरफ से भी आप ऐसी हड़ताल करते हैं? क्या कहा आपने? कुछ टीचर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्या छात्रों के प्रति भी आप ऐसी हड़ताल करते हैं? कोई भी इस तरह का मामला संज्ञान आता है तो उसको प्रशासन उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई करता है और कार्रवाई हुई भी है, और अगर इस मामले में कुछ ज़्यादा गंभीरता है तो उसको अध्यापक को या जो भी संबंधित लोग हैं उनको स्कूल से निष्कासित किया जाए। हापुड़ से ATC फास्ट न्यूज के लिए सुशील कर्दम की रिपोर्ट।